वेलकम है। आप इसी तरह हमारे व्लॉग्स को प्यार देते रहें, बस लाइक ही नहीं करते आप इस वाले व्लॉग में, प्लीज भर भर के लाइक आने चाहिए, भर भर के। मतलब मुझे ऐसे फील होना चाहिए कि हाँ यार आज वाले व्लॉग में लाइक्स ज्यादा है। और जैसे कि आप सबको पता ही है, ज्योति भाई साहब आ रखे हैं उस वाले घर पे, तो मैं फटाफट से मेरा घर का काम फिनिश कर देती हूँ। नहाना धोना मेरा और यशविनी का तो हो गया, और यशविनी की ये चुंडली मुंडली भी मैंने बना दी, पर मैं आजकल इरिटेट होने लग गई गाइस, इसमें ना मेरे को आधा घंटा लग जाता है। यशविनी अब कल से आपके ना दो छोटी बना दूंगी ऐसी वाली, ठीक है? ठीक है। ओके ठीक है। तो कल से मैं थोड़ा सा ना चोटी में जोड़ नहीं दूंगी यार, आधा घंटा लग जाता है। मतलब एक नहाना एक तरफ हो गया और चोटी बनाना एक तरफ हो गया, इतना टाइम लग जाता है। तो अब मैं और यशविनी खाना बनाएंगे, किचन में जाएंगे और फटाफट से यशविनी के लिए खाना बनाऊंगी, ऋषिकेश पापा के लिए खाना बनाऊंगी और यशविनी का पेट फुल कर दूंगी। फट जाएगा इसका पेट, है ना? तो चलो किचन में चलते हैं, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइज अभी अभी एक पार्सल आया है उम्मीद की तरफ से, और ये कॉर्ड शेट है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, बहुत ही प्यारा कॉटन है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर भी लग रहा है, रानी कलर है इसके अंदर। ये नीचे का ऐसे हो गया, कॉर्ड सेट है, बहुत ही प्यारा है। अगर आपको परचेज करना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप कर सकते हो। ये मेरा हो गया एल साइज, एंड ये वाला सपना के लिए आया है। सपना वाला भी काफ़ी अच्छा है, ये लहरी ये पैटर्न के अंदर है, ये भी कॉर्ड सेट ही है। आपको मैं दिखाती हूँ इसका, मतलब सेम प्रिंट है पजामी में और ऊपर वाले में। ये देखो, तो गाइज अगर आपको ये वाला और ये वाला दोनों परचेज करना है तो स्क्रीन पे ये देखो ये नंबर आ रहे हैं, इन्हें आप कॉल करके बुक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट भेज देना दोनों में से जो भी पसंद आए आपको, और प्योर कॉटन है ये देखो, बहुत अच्छा है। मतलब हाय, तो खाना वाना खा लिया, बच्चों को खिला दिया। ये जो बर्तन है ना गाइज, इतना भयंकर पड़ा था। मतलब वो नीचे वाले जो भैया है ना हमारे रेंट पर रहते हैं, वो भी बाहर आ गए कि बर्तन कौन फोड़ रहा है। तो ये जो बर्तन है ये हमारे पापा मम्मी के हैं गाइस, और इनको टाइमली पहुंचाना होता है। यहाँ पे मम्मी पापा ने एक ट्रिक अपना रखी है, मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या है ना, इल्ली चली गई दाल के अंदर, तो मम्मी ने उसको है ना पानी के अंदर रखा है, और जैसे इल्ली बाहर आएगी ना वो पानी में गिर जाएगी, मतलब पूरे घर में नहीं फैलेगी। कदाई में 12 की, 11:30 आई, 11:30 के बाद में तीन बज चुकी है। सो सा के मैं उठ ली, नींद ली, चौकी वाली मार ली, जब नींद रात लेंगे सुबह जागे लिए। चौकी वाली तो कद मारी, और क्या घंटों आधी घंटों की मारी है, हैं सही है। तो हमारे कई दोस्त थे, तो ये हमारी की हूँ भाईचा, क्या हुआ? ये गाइस आके बीमार हो जाती है, बीमार हो जाती है नानी साहब, बीमार कर देते हैं आपको। नानी ने सूट लिया इसीलिए अब नानी साहब को लेके जाएंगे, इसीलिए नानी साहब जा रहे हैं कोटा है? देखिए गाइस, नहीं मम्मी को खुद को ही मन कौन रहा है, जावा को देख लो ज्योति भाई साहब के क्या होने, आप क्या तो लेके जाओ जी। जाऊंगी जमानो क्या बोलेगा, वैसे ये वाला चूड़ा अच्छा लगा ना? हाँ ये वाला चूड़ा अच्छा लगता है भैया। मैंने मेरे शादी के बाद में ये मान लो 10-15 चूड़ा पहन लिया वाला, ये वाला सेम टू सेम, जी खराब हुआ है दूसरा लियो, जी खराब हुआ है दूसरा लियो। प्लेन ना हो तो यार कहीं अच्छा लगे, जगह पे कुछ हो, चमके मन भी चमके, और फिर आगे कुछ नहीं, बस एक कुछ भी लगा है उसमें खड़ा होके आप बोलते हैं भाई कैसे क्या है इसका, तो इसका एक बनरोज में बोल बोल नहीं, मेरा स्ट्रगल बता रहे गाइस आपको। मैंने उसके बीच में खड़ी होके बोलती ना लड़कियां ऐसे ऐसे, मैं ऐसे किया, मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे ससुर ने, हां नहीं मेरी सास ने मेरा सपोर्ट किया था गाइस स्टार्टिंग। हाँ, अच्छा गोल गोल बता रही हूँ मैं, जो स्टोव से वो समझती है मेरी बातें ज्यादा पास में रहती नहीं नहीं मम्मी से साथ तो मेरे दियो ने आप पता है ना साथ में मन से साथ दे रही हूँ तुम सब का। नौरात्रा का मैं 9 दिन सुनो क्या करूँ, नौरात्रा में स्टार्ट करे आप याद है, नौरता में भाई कमरा में नौरता करे, हाँ और फिर 9 दिन फास्ट करे, हाँ और चुपके चुपके से ब्लॉग बनाता आप, वीडियो बनाता हमने बनाए बड़ा तुम्हें करते ना वो करनी बनाए पर बनाए हाँ बनाए नौरता से करनी माता से शुरू करे, करनी माता से स्टार्ट करके फिर उसके बाद में मेरे देवर की शादी थी अर्जुन मना की, जो कि हमने जोड़ी गांव में की है। जैसे कि पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता होगा, बट अब न्यू जो सब्सक्राइबर उनको नहीं पता होगा, तो वो पीछे के ब्लॉग आप देख के आना, बहुत अच्छे अच्छे थे, अच्छे अच्छे तो क्या थे वहाँ पे, उस टाइम में बहुत ज्यादा नर्वस रहा करती थी मैं खुद भी, मेरा ब्लॉग उठा के देखू ना सपना बन के वह कि तेरा कदा कदा आगे आ जाना तू यहाँ
मेरे ससुर जी आ रहे हैं, ठीक है गाइज, अब मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। ऐसे करके शादी में भी है ना, या पापा है ना जी, मैं फोन कर, फोन मेरा हाथ में भी रहता हूँ ना, आ तो फोन कला गिरे, इनका ही और काम करना ही होनी, आ तो फोन कला, फोन कर की काम, हाँ फोन देखिए फिर है वो काम। और सिर्फ कर... और सिर्फ मैंने ना, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, किस वजह से स्टार्ट करी थी मैं बताती हूँ आपको। मेरे को क्या आईफोन लेना था, ऋषु के पापा ने मेरे को ये बोला था कि अगर आपके ना जो भी चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में आपको आईफोन दिलाऊंगा मैं। तब मैंने वो है ना स्ट्रगल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में भाई पैसे वैसे आने लग गए तो अब छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। अब तो गाई, जब तो हम सारे करके पकड़ के डांटे ना तो पंख लग गई गाय। अब रीछड़ पापा गणे के वह छोड़ दे वो थे, खुद की जिंदगी जी रही कौन हो, कौन कर रहे अरबिया, कौन कर रहे मैं कि नहीं, अब चल गए वो चल गए। तो ये हमारे मम्मा हुकुम मेरी गाड़ी में बैठते हुए, हम गाड़ी दो लेके जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो हेजल है ना उसको हम घर पे ही छोड़ के आए हैं, क्या पता नीत्सा को है ना मतलब रोने लग जाए तो फिर नीत्सा वहीं से निकल ले अपनी गाड़ी। अर्जुन मना हो जी ना भी चाहते तगड़े कर। मम्मी मैं मेरे को तो मत लिया ना ऐसे फटकारे में, अरे यार मम्मी ने तो मेरा असली रूप देख ही रखा है। बताओ क्यों हुई हो गाइज, मैं बताती हूँ आपको। अभी क्या कल्पना मैम का कॉल आया था और कि दोनों बच्चे कहाँ पे हैं और आप तो ऐसे करते हो वैसे करो, प्रियंका हंसी चली तो है ना, मेरे को गुस्सा आ गया ऋषु के पापा के ऊपर कि आप कहाँ लेके गए हो बच्चों को, और मैम तो आ गई घर पे ये वो, फिर थोड़ी सी हमारी छोटे मोटे सी लड़ाई हो गई दोनों पति पत्नी में। जना मम्मी भी बात नहीं किया तो पति पत्नी की, तो देखो मम्मी हर घर में लड़ाई हुआ है, बेवजह थोड़ी, ये बेवजह नहीं होता मम्मी, क्योंकि मैम आई है सोच के, देखो मैम मेरे को डांट रही है तो मैं ऋषु के पापा को ही नहीं डांटूंगी, बच्चों को कहाँ लेके गए हो आप घर पर, ये मैम ने देखा नहीं होगा अच्छे से, अच्छा सुना नहीं होगा उनका खुड़का बिटका। तो आज हम करने जा रहे हैं शॉपिंग ज्योति भाई से, अच्छी साड़ी में कंपनी देते तुम, जिस थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं था, अच्छी तो लग रही है साड़ी है, खराब करे है फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन क्या है भाई जी, सन मेरे को नटी आओगी अच्छा, हमें वहीं पे ही जाके वो साड़ी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योति वैसा के मन में वो ही साड़ी बैठी हुई है। दो तीन दुकानों पे हम जाके भी आ गए, बट अब ज्योति वैसा ऐसे बोल रहे हैं कि भाभी साहब फिरने से कोई फायदा नहीं है, अपन तो जाके वो वाली साड़ी ही लेके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में हम तीनों सास बहू खरीदेंगे राखी वगैरह भी। मैंने मेरी राखी तो मेरे भाई के तो बांध दी है, बट मेरे को क्या एक एक दो है ना सूंड की राखियां ले लूंगी, और तो मेरे बांधने के लिए तो कोई है नहीं, क्योंकि मेरा भाई है जो कि अहमदाबाद है, और मेरी मम्मी है, पापा है, चिराना मतलब मम्मी तो चलो अभी आएगी, तो सूंड की राखी मैं भेज दूंगी मम्मी के साथ। ये हमारी रानी जिन्नी सही की कारण तो पहले आप चूड़िया ले लिया, सावरिया कलेक्शन आई हूँ गाइस मैं चूड़िया लेने के लिए। तो दिखाओ कोई कांच में चाहिए मम्मी या फिर ढाल में चाहिए, ढाल भी है कांच भी है सारी चीजें है ना, क्यों कांच में पूछ लियो पहले ढाल चाहिए कि कांच चाहिए। ये वाली चूड़ियाँ अच्छी लग रही है, इसमें काफी सारे कलर हैं, देखो ये हो गया ग्रीन हो गया, सारे सात आठ कलर है इसमें, और कांच में नहीं, ये कांच में ये डिजाइन अच्छी लग रही है। ओहो घमासान युद्ध मचा दिया हमने ना तगड़ा, पूरा खाली पड़ा था हमारे आने से पहले, ठीक है बाय थैंक यू। चलो मम्मी चूड़ा का काम हो गया, साड़ी का काम करते हैं, फिर अपन राखी वाली दुकान देख के याद आएगी ओसवाल की साबुन है, पुराना जमाना में बहुत यूज करया करता है ओसवाल वाली साबुन, वो टप लिया था और चोको रगड़ वो करता है, आजकल तो थोड़ा सा यहाँ लग लगे वो हाथा गए ओसवाल के साबुन है,
हाथ पर बहुत फाड़ता भी। देखो पार्किंग गाइस बहुत ही मुश्किल से मिलती है, चांदनी ज्वेलर्स के सामने खड़ी करी है मैंने। वापिस अपन आनो अठे ही पड़े घूम फिर गए ने, वो तो मैं भी कह दियो साड़ी तो बड़ी अच्छी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो आदमी को फर्स्ट बार पसंद आ जाता है ना, फिर उसके बाद में चाहे कितना भी अच्छा दिखा दो नहीं पसंद आता। 5-6 दुकानों पे जाके आ गए अपन, पर आना अपन को फर्स्ट वाली दुकान पे ही पड़ा। रेंट दो थे तो बोलो ही मत, मैं लिया बैठी जन तो कहीं किया क्या किया बताओ कैमरे पे नहीं बता सकती क्या अच्छा कौन लाग रहे है ना पर अब अच्छी लाग रही है। मैं जब तू कह रही नहीं तभी आप सही बोलो अच्छी लाग रही है क्योंकि और आज वेयर लाग रही है प्रॉपर। नहीं अगर कोई शादी में पहन के जाओ ना चमक बहुत, इसका जो फैब्रिक है लेने का मन है तो ले लो अच्छी लग रही है। नहीं लेना चाहे जना ये देखो डायमंड ही डायमंड लगा के आया ने भी अच्छा लग रही है इसी तो है। डायमंड भर भर के होना चाहिए, लागना तो चाहिए 2000 रुपया की सामान खुड़को खुड़को होना चाहिए। किशु के लिए, किहू भाईसा के लिए और हेजू के लिए ये वाली चूड़ियां ली। अच्छा ये मेहंदी भी ली क्या? सपना का ये कोट सेट मैं दे देती हूँ उसको, क्योंकि ये वाला मेरी गाड़ी के अंदर ही पड़ा था। मैंने पहले ये सोचा था कि सपना के पास मैं जाऊंगी ना तो सपना मेरा शूट कर देगी, मैं सपना का शूट कर दूंगी और ये कम्प्लीट हो जाएगा, पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, जो सोचते है ना वो नहीं होता गाइस, बिल्कुल नहीं होता। और मैं ना ससी क्रिएशन जाने का सोच रही थी, आपको मैंने बताया था ना एक है ना राखी की मैंने ड्रेस करवाई है प्योर की मेरे लिए, जो कि मैं राखी में वेयर करने वाली हूँ, तो वो भी नहीं लाना होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार तो घर पे ही जाते हैं, क्योंकि जो किहू भाईसा है वो थोड़े से बीमार हो गए, मतलब उनके उल्टी वगैरह और थोड़ी सी बुखार हो रही है, तो इस चक्कर में ससी क्रिएशन वाला मैं कल कर लूंगी, कल लेके आ जाऊंगी उनसे मेरी जो वो ड्रेस है। गोटा छुआरा के पास भी गई हुई है। ले ये कोट सेट कैसा लगा देख बता दिखा। गाइस ये किसी ब्रांड का ही ले 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 नहीं कहा सकती थी माता के कुछ। और देखो कितना प्यारो है बावली, ये उमीर का है। और सर स्टोरी और लगाई है, मैं सोची अच्छा एकदम दो दो है, फिर मैं साइज खोल रही देखी तूने ये सोचा, तूने सोचा दो दो है इसके। अरे यार नहीं बहुत प्यारा देख, मतलब आपके यार लॉन्ग है, साथ में कर लेंगे, साथ में शूट साथ में कर लेंगे, बोल के देख लॉन्ग है तो मेरे को लगता है पैन बना के कर दी होगी है ना। देख पर आपके यार ये लॉन्ग वाले हैं, लॉन्ग वाले पता अच्छे लगते हैं कोट से, वो थोड़ी ज्यादा शॉर्ट। हाँ सुन साथ में कर लेंगे ना। ओके डन, रात के बाद में कर लेंगे एक दिन, ठीक है ना। देख लो मजे हो गए है ना, नंदो के बाहर आ रही है यार, फिर अपन भी अपन भी है नहीं, अभी सगाई नहीं हो रखी। हाँ ढूंढ रहे हैं अब, एक लाइन में ही है फिर, मतलब ऐसे नहीं है ना कि सलोनी घर पे बैठी है। देख यार मेरा पीहड़ तो थोड़ा सा दूर है तो पास वाले का ही नुकसान है प्रीति, कोई नुकसान नहीं है, मजे नहीं हो जाने के। दे 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 ये देख दोनों कितनी प्यारी लग रही है। आपकी बहन ने भी आपको मैंने क्या बताया था, आपकी सिस्टर है देख रही है ये। गाइस इतनी भागा दौड़ी के अंदर भी मैं मेरा बुट्टा खाना मैं नहीं भूलती कभी भी, किया जिया बुट्टो लिया है मम्मी। अच्छा मैं तो गाइस बहुत भाग दौड़ की बहुत है, और मम्मी ने तो मेरे को अब पता चला खाना ही नहीं खाया है मम्मी, ऐसा ही हुआ। मेडिकल तो अठे भी है निशान नहीं नहीं गए बेशक मेडिकल हो तो सोया चाह खावा या पनीर का क्या बोले अगर टिक्का का पनीर टिक्का खावा, सोया चाप खावा, मोमोज खावा, बताओ बोलोगा वो क्या। सोया चाप ठीक है ना, आजकल आपा ने मम्मी मोमोज तो छोड़ ही दिया चोकरी हो ना, मोमोज कालजो बोलतो कालजो बोलतो बहुत बीमारी होती मोमोज। हां तो गाइस मुंह जल गया हमारा सोया चाप से, तो दही पताशी खा रहे हैं मम्मी
थाको तो मन दही पता ची मेरे भी आने मतलब बहुत भयंकर ही मुंडो बड़े मुंडो ही है टेस्ट भैया क्यों एक नंबर है बात करनी पड़ी। हमारे पीछे से रिशु के पापा ने देखो क्या काम किया यार, मैंने इतनी बार इनको मना किया है कि बच्चों को पूल में मत लेके जाया करो क्योंकि यशविनी भी पता नहीं नीली नीली से होने लग गई, रिशु तो ऑलरेडी नीला हो ही गया। ये देख रहे तो गाइस जैसे ही घर पे पहुंचे और ज्योति भाईसा ने न्यूज दी कि है ना भाभी सा यार मेरे को तो कोई डॉक्टर मिला ही नहीं है, फिर इधर उधर फोन करके एक डॉक्टर हमने देखा है मतलब एक क्लिनिक का पता चला है इधर पीछे की साइड ही है रावण गेट के अंदर, तो भाईसा हमें बताया है उन्होंने संजू भाईसा के नाम से है उनका नाम। अरे हमारे क्यू भाईसा नोटी हो रहे हैं नोटी ज्यादा ही, आपके पापा के लिए बीमार हो रहे हैं आई बात समझ में उसका है ना, ये मेरे पापा आके क्यों नहीं आए, आपके पापा एक घंटे में आने वाले हैं, हमारे बना हुकुम बस एक घंटे के अंदर अंदर पहुंचने वाले हैं। टोंक पहुंच गए ना, टोंक पहुंच गए, उनसे भी रहा नहीं है, उन्होंने बोला ज्योति अकेली अकेली चली गई, देखो बाता हो लगी हाँ पापा आ गई बोल रही बाता आ गई बाता आएगी आपके पापा भी आने वाले हैं अभी आधा घंटे में, आधा घंटे में आ जाएंगे पापा आते होंगे कि भी क्या ये पता नहीं बच्चों ने क्या मेरी गाड़ी गाइस फैली रहती है मतलब मेरी गाड़ी में जो भी घुसेगा ना वो यही बोलेगा कि भाई बच्चों को सामान है ना, मैं मेरी डिग्री विग्री ड्रायर लेके साफ कर दूं तो कचरा हो रहा है बच्चा ही बच्चों को हो रहा है सही में, नमकीन वमकीन जाने कहीं कहीं हड़ताल हो रही है और ऐसे डॉक्टर साहब नहीं देखे हमने जो फीस नहीं लेते और दवाइयों के पैसे भी एकदम ना के बराबर ले रहे हो। सही में यार, सही में अब देखो मतलब कोई यही जमाना में कोई को नहीं आजकल, डॉक्टर साहब की शक्ल दिखा दो थोड़ी सी, समाज से ही आदमी है गिर जाता भी, ये हमारे डॉक्टर साहब है। अंदर भर भर के करना है ना, नहीं इसका स्कैनर की जरूरत नहीं है, मैं कैश दूंगी आपको। हेलो अश्विनी, ये बुआ ने क्या कर दिया आपकी चुंडला मुंडला उतार दिया, उठा लिया ऐसा इसका चुंडला, इसकी बुआ ने ऐसे बोला है कि है ना अब है ना भाभी साहब है ना ये चोटियां मत बनाया करो क्योंकि इसके बाल टूट जाते हैं, इसके पूरे दिन प्रॉब्लम होती है, इश्यू होती है आपको, अब अपन कोई बात नहीं एक चोटी बनाएंगे पीछे यहाँ पे एक बना दूंगी मैं, अब तो इसकी एक बन जाती है पूरी है ना, ये आपके नाइस पर्सन इतने कमेंट आते हैं कि जिससे इतने नाइस है, अच्छा देखिए आज के आज नहीं दो तीन दो मतलब हर ब्लॉग के नीचे जी मैं थे हुआ ना हमेशा यही कहवा कि है ना जिससे कितने नाइस पर्सन है, तो ये क्यूट है ना इसलिए आते हैं हमारे, तो क्यूट है ना ये दोनों क्यूट हो, था दुनिया को मुंह एकदम सेम है, ऋषु बाबा फोन नहीं लेते तो हेजू तो है ना आँख खराब हो जाएगी हेजिल की, तो गाइस घर पे पहुंच गए और ऋषु के पापा ने डिमांड करी है दाल बनाने की, तो फटाफट से मैं दाल बनाऊंगी और साथ ही साथ राइस अंदर अंदर खाना चाहिए, तो 15 मिनट में तो आप सबको पता ही है राइस बन जाएंगे, इसमें मैंने चढ़ा दी है दाल, अब मैं जैसे ये पकेंगे ना फिर उसके बाद में ये किचन विचन जो भी बर्तन वगैरह ये सारी चीजें बाद में, तो यशविनी हमारे खेल रही है क्विज गेम टीवी में, मिल गया क्या यशु कौन सा वाला, अभी देखते हैं, ये यशविनी बोल रही है ये वाला ब्लैक ब्लैक लग रहा है, अभी जीतेगी या नहीं पता लग जाएगा यशविनी का, ठीक है अभी पता लगेगा, रुको अभी पता लगेगा यशु का कि सही यशविनी सही जवाब, व्हिच फ्रूट डू यू लाइक मोर डोरियन और जैकफ्रूट, बताओ यशविनी कौन,
तो यशविनी खेल रही है इधर क्विज गेम और यशविनी की मम्मी लगी हुई है इधर बर्तनों को धोने में। सुनो ऋषु पापा, दाल क्या लगी है बताओ? दाल शाम का देख लो, झटपट झटपट बनाई ना मैंने। बिल्कुल आपने जैसे मुझे ये बोला यार मैं लगा पानी जा पड़ो यार, मेरे को ये काम बहुत गंदा लगता है नीचे जाके मोटर स्टार्ट करना, मेरा पेट दर्द उबल आ जावे। ऋषु पापा यार अपना आठे ऊपर ही लगा दो ना यार, तीन मंजिल चढ़नो करनो मेरा गोल दूर हो जाए। यशविनी क्या कर रही है आज? यशविनी ओ यशु मैं लगाऊं दूसरा लगा दूं? सारे काम से मैं फ्री हो गई, मतलब बर्तन वगैरह सारी चीजें मैंने साफ कर ली। बस मैंने ना ये बर्तन साफ किए ना उस चक्कर में मेरी पूरी की पूरी टी शर्ट है ना गीली हो गई। हमें एक मन तो कर रहा है मैं इसको खोल दूं, एक मन कर रहा है कि रहने दो यार, सुबह देखेंगे मॉर्निंग में जब सोएंगे तब अपने आप ही सूख जाएगी। और कल का जो दिन है वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है क्योंकि कल हम मेहंदी भी लगाएंगे, परसों की आप सबको पता है ये राखी है और मेहंदी भी लगानी है, साथ ही साथ मुझे ससी क्रिएशन भी जाना है क्योंकि जो एक मैंने ड्रेस है ना सेलेक्ट करी थी ना वो वाली ड्रेस स्टिचिंग होके अगर आ गई है तो मैं कल लेके आऊंगी वो वाली ड्रेस, मैं वियर करने वाली हूँ रक्षाबंधन को। और कैसी क्या होती है स्टिच करने के बाद में उसका लुक कैसा आता है, पहनने के बाद में कैसा लुक आता है वो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। ससी क्रिएशन का जो फैब्रिक होता है ना सीरियसली गाइस बहुत अच्छा होता है, अगर आपको ड्रेस वगैरह परचेज करनी है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे थोड़ी सी ना डस्टिंग वगैरह करके सोनी है क्योंकि कल मैं बता रही हूँ ना आपको बिजी रहेगा। और मैं मेरा जो आज का व्लॉग है ना ये 10 बजे कल, मतलब हमेशा मैं क्या करती हूँ सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना 7 बजे के समथिंग तब मैं एडिटिंग भी करती हूँ प्लस अपलोड भी करती हूँ उसी टाइम, तो सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। इस चक्कर में मैं अभी इस व्लॉग की एंडिंग करूंगी और आज ही मैं इसे अपलोड भी कर दूंगी एडिटिंग करने के बाद में। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ, और नेक्स्ट डे काफी अच्छा होने वाला है, मतलब हम प्रिपरेशन करेंगे रक्षाबंधन की और फिर उसके बाद में रक्षाबंधन आ ही जाएगा। ठीक है गाइस, बाय गुड नाइट, मैं भी रूम में जाती हूँ। आज यशविनी के पापा ने ना उसको यूट्यूब पे, मतलब वैसे तो वो कार्टून वगैरह देखती है आप सबको पता ही है उसको कार्टून बहुत ज्यादा पसंद है, पर आज उसके माइंड में ये डाल दिया मतलब फ्रूट्स नेम वेजिटेबल नेम्स और मतलब काफी सारी चीजें वो दिखा रहे हैं। मैं जैसे ना किचन में ना काम वगैरह कर रही थी तो मुझे आवाज पड़ रही थी। ठीक है गाइस, बाय गुड नाइट।